पूंजीराम तो कैपिटल है, पैसा भी एक भी जगह जाएगा, बैंक बैलेंस ये पड़ा रहेगा, जो कुछ भी देख लो सब रह जाएगा। क्योंकि जितना आप भगवान सेवा कर लिया, संत महात के सेवा कर लिया, वही तुम्हारे साथ में जाएगा। एक कंजूस था, कंजूस समझते हो कि नहीं, इसको बोलता है जो किसी के एक पैसा दान दक्षिणा नहीं देता है और अपना भी खाता भी नहीं है, है? केवल बचा करके रखते हैं, बचा दे इकट्ठा कर दिया। जीवन में कभी एक संत महात्मा के कम से कम एक कड़ी तो एक पैसा तो दान कर नहीं करता। अच्छा करो, कम से कम मंदिर में जाओ, एक है एक कॉइन तो डाल दो, वो डालता नहीं। तो लोग उसके कहते थे जब चलता था ना पीछे, लोग कहते जब ये कंजूस है मर करके सांप बनेगा। शास्त्र में ऐसे लिखा है, जो कंजूस होता है ना, याद रखना, क्या बोला, कंजूस बनने के बाद वो सांप बनता है। क्यों? वो जीवन में तो भोग तो नहीं किया और किसी के दान पुण्य भी नहीं किया, उसने क्या वो जितने पैसे इकट्ठा किए ना, उसके मरने के समय उसकी चिंता करनी, और तो उसी पैसे को वो बचाने के लिए, संरक्षण के लिए फिर किसी जीवन में उसको क्या बनना पड़ता है, सांप होकर। ele se torna uma cobra na próxima vida. Quando o rasta me chalte tha na to piche se log se kaha tha ki mar kar ke saap ban gaye, saap 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 kar tu par jane aata har roz uske sunna padta tha, ek din mani mani vichar karne ke karne lage, aaj kaun sa var hai, esa persona la pensa, sombar hai na, chalo kaun sa mandir mein jana hai, shiv ji ke mandir mein jaate hain। अच्छा, और कोई देवी का मंदिर होता है कि आज केवल है? चलो चंद्रावली के मंदिर में चले जाते हैं, है? मंदिर में क्या होता है, ठाकुर जी की पूजा होती है, 12 बजे जो है ठाकुर जी की आरती होते हैं ना, आरती हमारे भारतीय रीति होता है ना, आरती के बाद पुजारी दिखाते ना, दिखाते सबके पास वो ले जाते हैं आरती, कोई 1 रुपया डालते है, कोई 2 रुपया डालती है, भाई कॉइन डालते है, चुवानी जो कुछ है। तो वो मनी मन करने लगे, आज सोमवार है, चलो आज चंद्रावली के मंदिर में जाता हूँ, आज सबको दिखा करके मैं आज एक कॉइन के जो है, ela chegou ao templo e falou, पुजारी के है, एक सिक्का dar alguma coisa, uma doação, eu vou doar dinheiro। इसलिए क्या कि घर से उठा, उठ करके एक कॉइन को जो है हाथ से ऐसे मुट्ठी बंद करके रखा, लेकर भी चल गया। जब 12 बजे आरती होने लगे ना, तो पीछे खड़े होकर, पीछे सामने था मोमबत्ती ना, मौ को सामने देखा तो पुजारी आरती करने के बाद पुजारी जो वो पुजारी पवित्रों से ऐसे प्रातः जो जा रहे थे, ये भी पसो प्रातः पे तो दो मुंडो, ये तो दो मुंडो कोई मंदिर में डालते, उसने प्लेट में डालते, 1 रुपया डाले, कॉइन डाले, चाहे तुम मैं धुआं दो ना कोई जो वो मनी मार बिजार में ना थोड़ा मस मौया दस को करो ना प्रातः, फिर पीछे चले गए, फिर पुजारी चलते चलते सामने से पीछे पुजारी गए, वो इतने से ठीक उनके पास में आ गए, वो जो उतने समय वो हाथ खोला, देखा भाई बहुत समय तक क्या होता है, पूरा जो है पसीना में भर गया, क्या हो गया पसीना में भर गया। Quando ele abriu a mão dele estava totalmente suada, cheia de água. Aí ele falou, ó, moeda, por que você está chorando? Eu estou chorando porque você está me deixando. ele e aí ele pegou a moeda e colocou no bolso. ये हमारे साथ भी जाते हैं। तो कि जो फर्ज इस मुंडो एक व्यक्ति धनी बना, एक व्यक्ति गरीब क्यों बना, वही बताओ। अच्छा ये बताओ, एक व्यक्ति के 10 मंजिल बन गया, आप एक व्यक्ति रिक्शा चला करके अपने परिवार को पालन पोषण कर नहीं पा रहे,
और एक व्यक्ति कुछ नहीं करता है, एक व्यक्ति जहाँ पर पैसा डाल देते बिजनेस में उसके आ जाता है, और एक व्यक्ति जहाँ पर पैसा डालते हैं उसको क्या हो जाता है, सब nem trabalham e ganham tanto dinheiro e outros trabalham tão duro e não recebem nada. ना छोटा बड़ा मानते हैं सभी के समान क्योंकि तुमने जैसे कर्म किया उसके तो फल तुम्हें भोगना पड़ेगा कि नहीं। तुमने जीवन में कभी किसी के एक पैसा दान दक्षिणा नहीं किया, कोई किसी के परोपकार नहीं किया, कहां से तुम्हारे आ जाए। बैंक में पैसा, बैंक में पैसा रखो तब तो जाकर के कहोगे हमारे पैसे उठाओ, मुझे उठा। और बैंक में कभी पैसा जमा ही नहीं किया, खाता ही नहीं है, है? और बैंक में जाकर के हमारे पैसे पैसा मुझे बैंक छोड़ दे देंगे। तात्पर्य क्या है? जीवन में कोई हम कोई दान पुण्य आदि किया वो कभी कभी लुट करके आ जाएगा। Se você doou alguma coisa ao sábado, guru, na próxima vida, इसलिए हमारे शास्त्र में लिखा है therefore every action is equal and opposite, समान होता है विपरीत मुखी होता है। ये हम न्यूटन की थ्योरी जो लिखे पड़े हैं ना, ये न्यूटन थ्योरी है, therefore every action is equal and opposite reaction। हम किसी के जीवन में किसी के जीवन बुरी दिया वो कभी नहीं कभी आएगा हमारे पास, ये समझ। मैं किसी जीवन में किसी के दान पुण्य किया वो सूद समेत, सूद समझते हो, इंटरेस्ट समेत समेत जरूर आए। और मैंने जीवन में किसी को नहीं किया, दूसरे को हड़प लिया, वो करते ना दूसरे के जमीन को हड़प लेता है, जबरदस्ती ले लेता है। अरे मर करके क्या होता है, वो के लिए सोचता है मैं इसको जमीन हड़प लेता हूँ क्योंकि मैं भुका लेते हैं ना, वकील होता है ना वो ज्यादा करते मैं हड़प लेता हूँ क्योंकि कोर्ट में तो मैं हर रोज जाता हूँ, मुझे तो दूसरी वकील ही करना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं पास उसके जमीन हड़प लेता हूँ। और आप बेचारा उसे उसके साथ कोर्ट में लड़ते लड़ते जीवन सब अच्छा। बताओ वो वकील मर करके क्या होगा, क्या उसके वही जमीन मिलेगा? वो तो दूसरे घर में, वो हो सकता है दूसरे घर में वो कुत्ते दूसरे के जन्म हड़प लिया ना, लोग सोचता है ये जन्म उसी प्रकार ही होता है ना, उसके भोगता कोई, ये मिट्टी एक मिट्टी लेकर कहीं नहीं कोई नहीं जाएगा, है यहाँ पर पड़ा रह जाएगा। तो देखो आज संसार में से एक दूसरे की जमीन हड़प लेता है, थोड़ा खाली जगह पड़ा रहे ना, आप जमीन खरीद करके यहाँ पर रख दो, दो चार साल नहीं है तो देखा हो गया, बस किसने कब्जा करके रख दिया है। अभी अभी दो दो चार महीने छह महीने पहले ना वो क्या कांड हुआ था, घूमते घूमते आकर के कहाँ बैठा दिया पता ही नहीं चला है, उसके लिए कितना कैसे कांड हो गया है, क्या उसके क्या कांड बोलते हैं, जवाहर हाट का क्या बोलते हैं, कितने लोग मर गया, कहां कहां क्या क्या हुआ है, सरकारी जगह को क्या हड़प लिया, और देखो इसके जीवन की परिणति क्या, कहां कितने लोग मर गए थे पता नहीं क्या होते हैं। अच्छा बताओ इसके लोग जिसके जमीन हड़प लेना ये करना ये पाप कर सकते है, ये गोवेन को मृत्यु के बाद उसको भोगना पड़ता है, अतकारो ये क्यों करते हैं लोग, जो लोग भगवान के विश्वास नहीं करते, सोचते हैं बस इसी जन्म में जो कुछ मिल रहा है बस अगले जन्म होगा ही नहीं, ऐसे नहीं। एक बच्चा लुंगा होकर जन्म लेता है, काना होकर जन्म, अंधा होकर जन्म लेता है, क्यों? अभी तो कर्म किया ही नहीं, वो काना यानी अंधा होकर क्यों जन्म लिया, वो मेनिनो की नासे सेगो बोले पूरे जन्म में ऐसे उसको आंख खा दिया, वो फिर जन्म अच्छी विदा जो हुए ना सभी दूसरे के पूरे जन्म में दूसरी जन्म में उसको जो है दूसरे के कष्ट दिया था वो भोग रहा है इसी जन्म,
ele causou dor. Essa nem é. हम उसको देख रहे हैं ये कष्ट पा किंतु वो दूसरी जन्म में कितने लोग के कष्ट दिया कौन जानता है और हम तो देख रही बातें हमारे देखने वाले प्रभु कहते ना गीता में भगवान कहते मेरा सहस्र हजारों आंखों के तरह सबको मैं देख रहा हूँ कैसे काम करते हैं इसलिए हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति सनातन धर्म की यही है दूसरे की कष्ट मत दो दूसरे के सहायता करो एक दूसरे की सहायता भगवान ने यदि आपके दो रोटी दिया ठीक है एक रोटी खा लो और एक रोटी बांट दो भगवान हाथ दिया किसकी भगवान ने हाथ दिया किसी दूसरे के मारने के लिए नहीं ये हाथ दे दिया दूसरे के आशीर्वाद एक बार भगवान बुद्ध देव रास्ता में जा रहे थे देखा क्या एक व्यक्ति जो है दूसरे को मारने के जा रहे भगवान बुद्ध देव अपने कृपा दृष्टि से तो वो ऐसे ele achou uma pessoa, ele encontrou uma pessoa que ia matar um animal, e o Buda falou. Tum Brahman ho karke tumhara haath diya to kisi ko marne ke liye nahi. E ele disse. Brahman ke haath hota hai kis liye? Dusre ke aashirvaad. Senhor te deu um belíssimo corpo humano. Mas itni katha sunte hi unke hriday drabhit. Kaha jata hai जो दूसरे के हृदय के बदल यदि दूसरे के बदल हृदय के बदलने वाला नहीं हो उसका संत महात्मा क्या कर जीवन के हमारे जीवन की जो कोई बदल दे बस ये हमारे जीवन के उद्देश्य कोई जीवन में ऐसे कि संत महात्मा मिल जाए जो मेरे जीवन के बदल दे बदल देना क्या है भगवान की तरफ ले जाए हाथ दिए हैं दान देने के लिए मारने के लिए चलो ये तो दान की बात करते हैं सबसे बड़ी दान क्या है कोई हमारे कपड़ा नहीं आप मुझे कपड़ा दे दिया दान कर दिया छह महीने के बाद मुझे कपड़े जरूरत मुझे भूख लग रही है आपने खाना दे दिया दो घंटे के बाद मुझे भूख लगेगी नहीं लगे कब तक मुझे खाना देते रहोगे कब तक मुझे कपड़े देते रहोगे किंतु शास्त्र में लिखा है ऐसे कोई दान दे दो ऐसे कोई दान दो नित्य शाश्वत बन जाए और उनकी कोई जरूरत नहीं सबसे बड़ी दान क्या है ये भगवत कथा भगवान की तरफ हम उसके मोड़ दिया जाए एक व्यक्ति के लिए भगवान की तरफ हम मोड़ दिया जाए उनके भांति और बड़े दाता इज द बेस्ट डोनर श्रवण मंगल श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जन तव कथामृतम् तप्त जीवनं कवि विदितं कलमसापं श्रवण मंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदाजन श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कहते महाराज परीक्षित सबसे बड़ा दान क्या है श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज बोले भगवत नाम कोई करे और गुरु से कोई भगवत नाम ले जीवन एक बार कोई भगवान के नाम कर लो बस और संसार में जन्म लेना नहीं पड़ेगा क्या करो क्या नाम लो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
यही जय भगवान के नाम। कली युग में केवल नाम अधरा, सुमेरी सुमेरी उतर ही पारा। इसलिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं कली युग में और कुछ करना नहीं है, प्रभु के नाम करते रहो। इतना सुंदर प्रभु के नाम जो है, अरे सुबह उठ करके एक बार तो प्रभु के नाम ले लो, ज्यादा कुछ करना नहीं है। प्रातः काल में उठ करके सब काम छोड़ करके एक बार नाम कर लो, इतना एक माला तो नाम कर लो, जप कर लो, क्या करोगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नींद टूटने के साथ ही साथ एक माला जप करो, कितना समय लगता है एक माला जप करने में? उसमें 108 दाने होता है, समझे नहीं? ये हमारी माला जप माला है ना, इसमें कितने दाने हैं? 108। एक दाने करो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 108 माला जप करो। एक माला सुबह कर लो और रात में फिर काम करके आ जाओ। किस बजे सोते हो आप लोग बताओ? 11 बजे सोते हो, चलो 5 मिनट प्रभु के नाम करके सो जाओ, ज्यादा नहीं, एक माला करके सो जाओ। देखो इतना सुंदर नींद आएगा ना, बिल्कुल जो है आपको पता नहीं चलेगा। और प्रातः काल में माइंड इतना फ्रेश हो जाएगा, मैं क्या बताऊं, करके देखो। जब सोते जाओगे ना रात 11 बजे, जैसे आप सोते हो 10 बजे 11 बजे सोते हो, एक माला जप करके सो जाओ और रात में इतने सुंदर सुंदर राधा गोविंद की भी वो सपन गया है। जो नाम करके नहीं सोते ना, उसके कुत्ते बिल्ली और नानी क्या क्या बुरी बुरी से आ जाते हैं, भूत पिशाच भी आता है उसमें। Aqueles que não cansam dos homens têm pesadelos, भगवान के नाम करके देखो सो जाओ। Aqueles que não cantam santos nomes, mas aqueles que cantam, antes de ir para a cama, vem para casa e vem. Mahavir ki jap, naam karna. Pare Mahavir, Hanuman ji ke ek baar naam kahi kar de. Hanuman Chalisa ji, se você cantar Hanuman ji ke naam lene se abhi, bhut pishaj bhi nahi. Aur Hanuman ji kisko naam lete hain? मनोज सीताराम 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 कोई ये सीताराम Baby।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अभी आरती करेंगे, दो मिनट एक कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक बार नारद ऋषि सर्वत्र घूमते घूमते वैकुंठ में पधारे। वैकुंठ समझते हैं जहाँ पर भगवान नारायण जो है निवास करते हैं, रहते हैं। नारद ऋषि भगवान नारायण के बोले, प्रभु आप ये बताइए ये संसार आपने सृष्टि किया और संसार के सारे जीव कष्टों में, कोई सुखी है इस संसार में? आप बताओ किसके पास ज्यादा पैसा है? कोई नहीं बताएगा, सब कहेंगे महाराज मेरे पैसा नहीं है। जिसके पास करोड़ रुपया है वो भी कहेंगे मेरे पास नारद जी बोल, क्योंकि इस संसार में सब दुखी है, कौन सुखी है? हाथ उठाओ, कोई उठाओगे हाथ? उठा दो कोई, एक ही उठाएगा जो पागल है। कोई पागल नहीं है इसलिए कोई उठाएगा। संसार में कोई सुखी नहीं, आप किसके पास पूछो क्या पद बताएगा? सब अपने दुख की कहानी सुनाते हैं। संत महात्मा जा आकर कहेंगे, महाराज मैं दुखी हूँ, क्या बात, मेरे लड़की की शादी नहीं हुई, महाराज की कृपा कर दो, हाथ फेर दो, मेरा लड़की का शादी हो गया। कोई कहते हैं महाराज मेरा बेटा की तो शादी कराया, बहुत आई 6 साल हो गया उसके बच्चा नहीं हुआ, ऐसे कई मंत्र फंत्र कर दो, मेरा एक नाती हो गया। अच्छा कई कहते हैं महाराज जमीन तो खरीद लिया 10 साल हो गया, अभी तक बना नहीं पाया। महाराज मेरा दुकान नहीं चल रहा। भाई जितने लोग आए संत महात्मा हम लोग के पास, इतने तो कहते मैं क्या बताऊं, एक व्यक्ति अभी तक नहीं कहा महाराज मैं ठीक से हूँ, एक व्यक्ति आज तक मुझे नहीं। ये संसार में सब दुखी, इसका मतलब कहते हैं दरिद्र कहे धनी सुखी है, धनी कहते हैं महाधनी सुखी है, महाधनी कहते हैं राजा सुखी है। राजा के कहा राजा तुमने सुखी हो, राजा कहते नहीं महाराजा सुखी है, महाराजा कहते हैं नहीं नहीं सुखी कौन है, इंद्र है। इंद्र कहता मैं नहीं सुखी नहीं हूँ भाई, ये तो कभी कभी देवता लोग चढ़ाई कर देते हैं, आतंकवाद देवता असुर लोग आकर के कभी कभी बस चढ़ाई कर देते हैं, हल्ला मचा देते हैं, भगा देते हैं, हम कहाँ सुख है, कहते कौन सुखी है देवता, स्वर्ग के लोग कहते हैं, इंद्र कहते हैं भाई ब्रह्मा जी सुखी होंगे सर, ब्रह्मा जी कहते हैं भाई इस जगत में कोई सुखी नहीं है, मैं भी सुखी नहीं हूं। सुखी कौन है? जो भगवान के भजन करता है, है? भगवान के भजन करो बस सुख मिलेगा, हरि भजन और कुछ नहीं। Por isso todo mundo tem que fazer hari bhajan para conseguir a verdadeira felicidade. Narada ji ki katha maine sunaya, Narada ji bole prabhu is samsar mein aise srishti ke sab dukhi hai, इस संसार के एक नाम है दुनिया, दुनियादारी सपन की खेला, यही संसार दुखी है सब। जहां जावा नारद ऋषि गए, देखा कि सब लोग दुखी हो रहे, इसलिए ठाकुर जी के पास बोले प्रभु क्यों ये संसार के जीव का उद्धार क्यों नहीं करते? Todo mundo era triste. आप तो वैकुंठ में बैठे हो। नारद falou, Senhor, por que você não libera? आपके क्या पता है? Libera todas as almas dessa. वैकुंठ में भगवान जो रहते हैं वहां पर माया के कोई अधिकार नहीं है। Não há miséria. वहां पर त्रिताप नहीं है, आदि आदि देवी आदि भौतिक में नहीं है। Não há poder material. आप तो वैकुंठ में विराजमान हो, रहते हो, किंतु संसार के लोग कितने दुख भोग रहे हैं। आपकी तो पुत्र है, अमृता से पुत्र है, संसार में सब भगवान की पुत्र है। Todos têm filhos, todos são seus filhos e filhas. आपके बेटा तड़प रहे हैं, आपके बेटियां तड़प रही हैं। और यहाँ पर आप वैकुंठ में बैठ करके आराम में बैठे,
क्यों बेटा बेटी के साथ क्यों नहीं करते, लेकर क्यों नहीं आते? भाई हमारे संसार में पढ़ाते हैं, बेटी की तो शादी कर दिया और वहीं पर चले गई, वहीं पर ज्यादा तंग करने लगे तो क्या करोगे? बेटी के घर में लिया कुछ दिन के लिए, नहीं तो क्या करोगे आप बताओ? इस संसार में दिखते पड़ता दिखाई पड़ता। तो नारद जी उसी प्रकार करने लगे, प्रभु आप तो वैकुंठ में रहते हो, आनंद में रहते हो और ये संसार के सारे जीव आपके बेटा बेटी के साथ सोग्र सोगा प्रथम वाला माओ और सारी बहुत प्रकार का दुष्पाइस। तो वह जीव भगवान नारद भगवान करने लगे, नारद इस सोग्र के तरह जलस का मैं संसार के जीव को लाने के लिए बहुत प्रयास किया, इस सोते कोई आना ही नहीं चाहते, मैं क्या करूं ट्रेजर तो दस जीव बस पर मैं मैं नहीं जाना चाहते हो वैकुंठ हाथ उठावे कोई नहीं जाए भगवान के पास आ जाओ, कम से कुछ भगवान के चरण दर्शन कर लो। अरे वहीं पर हम लोग फ्री में प्रसाद भी देते हैं, दोपहर के समय हमारे केशव जी गौरी मठ में ऐसे नियम है, कोई भी आ जाए अतिथि कोई भी आ जाए, हमारे गुरुदेव रहते हैं, नानकृष्ण महाराज रहते भी है, आज तक भी नियम हमारे है। मैं आपके वचन दे दूं, आप आ जाओ, देखो दोपहर के समय ठाकुर जी की आरती हो जाए ना, आप सारे यहाँ पर जितने गाँव के लोग है सब पहुँच जाओ, सबके लिए भोजन की आज कोई व्यक्ति कहे जी मैं दोपहर के गया था केशव जी गौरी मठ में, दोपहर में मुझे भोजन नहीं मिला, ऐसे भी हाथ ठाकुर बताइए, हो सकता है आप 3-4 बजे पहुंच गए तो समाप्त हो गया सब धो करके सब, वो दूसरी बात है, किंतु 12-1 बजे हमारे केशव जी गोड़ू में आ जाइए, सारे गांव के इतना ये कॉलोनी के जितने लोग सभी के लिए भोजन व्यवस्था, हमारे मठ में ऐसे नियम है, गुरुदेव ने ये नियम करके रखे है, आप बताओ? अरे कम से कम कुछ करना नहीं है, ठाकुर जी के दर्शन के लिए आप दोपहर के समय आ जाओ और भजन करके फिर थोड़ा विश्राम करके आ जाओ घर है, अच्छा महीने में एक बार जाओ, अच्छा महीने में एक बार नहीं है, 6 महीने एक बार जाओ, कुछ महीने गुरु पूर्णिमा पर आ जाओ भैया, कब जाओगे? अच्छा गुरु पूर्णिमा आ जाओ, अरे गुरु पूर्णिमा नहीं हो तो जन्माष्टमी पर आ जाओ, हाथ में मुट्ठी बंद करके देखे ना, बोले ले जाने की जरूरत नहीं है, आपके ठाकुर आपके पैसा रोएगा, मैंने बहुत से मतलब पकड़ करके रखा ना, हम कहते ले जाने की जरूरत नहीं, आपके पैसा आपके गुल्ला में रख, क्या बोलते हैं खाली हाथ में जाओ और दर्शन करो प्रणाम करो और ठाकुर जी के जो है सुंदर प्रसाद पाकर जाओ, उसमें तुम्हारी शांति है। अच्छा चलो जो कथा सुनाया नारद, ठाकुर जी बोले नारद मैंने बहुत प्रयास किया इस संसार जीवन को उद्धार करने के लिए, मेरे धाम में लाने के लिए, कभी साधु रूप में आता, कभी गुरु रूप में, कभी शास्त्र के रूप में, कभी विग्रह के रूप में, मैं ना कितने रूप में इस संसार में आ जाता हूँ जीवों के पास ले जाने के लिए, कोई आना नहीं चाहते, मैं क्या करूँ? नारद जी बोले ऐसी कोई थोड़ी बात होता, कोई आना नहीं चाहता, बोले नहीं नारद तुम प्रयास करके देखो, मैं तो प्रयास करके लुप्त हो गया। भगवान बोले नारद मैं तो सारे मेरे सारे प्रयास विफल हो गए, मैं थक गया, आना नहीं चाहते, तुम एक बार परीक्षा करके देखो। नारद जी बोले अच्छा मैं जाता हूँ, नारद जी वैकुंठ से इस जगत में आ गया, देखा क्या एक वृद्ध था, 75 साल हो गया, कितने साल 75 साल हो गया, वृद्ध हो गया, कृष्ण था ना हल चला रहा था, कमर बिल्कुल टेढ़ा हो गया, वृद्ध जो है हल चला रहा था, हल चलाते 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 गर्मी के समय था, जेठ महीने था ना, इतना कड़ी धूप, उस धूप में वो हल चला रहे थे और चलाते 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 उनके शरीर जब बिल्कुल पसीना में भरा और थोड़ी बाद में वो एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठे बैठ गए ना,
इतने समय नारद ऋषि उनके पास जाकर के बोले, भाई तुम्हारे नाम क्या है? या नाम याद रखना, क्या बोले? मेरे नाम कैलाश है। क्या बोला? कैलाश। कैलाश नगर है ना, ब्रज में भी नाम भी रखते कैलाश। कैलाश नगर जानते कि नहीं? ये नाम कैलाश। अच्छा, मेरे नाम कैलाश। नारद ऋषि बोले, देख कैलाश, तू तो वृद्ध हो गया, बुढ़ा तो हो गया, 75 साल हो गया, ज्यादा से रात पता नहीं कब तुम्हारे कैलाश कहने लगे, हाँ ठाकुर जी, संत महात्मा, थोड़ा सा दो चार दिन में थोड़ा काम रहा, मैं जा रहा हूँ, दो चार काम रह गया, अभी जो है मेरा बेटा के शादी होने वाला है, बेटा के शादी करा देता हूँ, बेटा के शादी और बेटी के शादी करा करके बिल्कुल मैं तैयार हूँ। अच्छा, नारद ऋषि फिर घूमते घूमते नारद ऋषि विचार करने लगे, जो संसार में इतने आसक्ति वाले हैं, सो मर करके किसी घर में कहीं कहीं होते हैं, जन्म लिया है, बोले जो जितने घर में आसक्ति रहते हैं ना, उसी घर में कहीं भी परिवार में किसी भी में वो कहीं भी किसी रूप में वो जन्म लिया। ज्ञान से ध्यान लगाया, देखा क्या उसी घर में वही रूप में जन्म लिया, क्या बैर रूप में बोले, बैल कहने लगे, नारद ऋषि क्या बताऊं, मैं तो जमीन खरीदा था, रिक्शा चला करके एक एक बूंद खून जो है पसीना निकल करके मैंने एक एक पैसा जोड़ा, इसके बाद मैंने ये 10 बीघा जमीन मैंने खरीदा था, उस समय की बात है, 70 साल पहले की बात है ना, आजकल तो 10 बीघा तो बहुत बीघा, 10 कठा भी नहीं होगा, तो बहुत कठिन है ना, किंतु मेरा बेटा लोग जाए काम नहीं करता, बेटा लोग बोलते हैं गांव में रहना नहीं है, शहर में जाना है, सब है कलयुग है ना, सब को निसार के चलो चलो, कोई खेती नहीं करता नहीं है, इसलिए मैं इस घर में O homem da plantação, homem que, ele diz, meus filhos, filhos eles não querem trabalhar na plantação. Eu nasci aqui nessa casa, eu faço plantio aqui dos campos. Na hora da gente falou, venha comigo. Então o homem Kailash, ele falou, por favor, deixe meus filhos. Por favor, faça com que meus filhos mudem. Com que meus filhos mudem de ideia, por favor. बेटा लोग रोने लगे, चार बेटा लोग, महाराज वो बैल इतना सुंदर था, वो अपने आप खेती में चला जाता था, अपने आप कहाँ चला जाता था, खेती में, छोड़ दो बस उसके पहचान हो गए, ऐसे लगते थे बिल्कुल मेरे पिताजी जैसे था, मन पिताजी जैसे नहीं है ऐसे ही तो पिताजी था। नारद ऋषि मनो ने विचार करने लगे, कैलाश तो मर करके बैल हो गया, और बैल मर करके क्या हुआ मैं देखता हूँ। नारद ऋषि ध्यान लगाया, देखा तो उसी जगह में कुत्ता होकर जन्म लिया, कहाँ पर, उसी घर में कुत्ता होकर जन्म। नारद ऋषि जाकर के बोले, हे कैलाश, अरे तू देख तेरा जन्म बेकार चला गया है, मानव जीवन तक गया, 70 साल बेकार कर दिया, अभी फिर कुत्ता होकर के यहाँ। तो कहने लगे, माँ महाराज मैं क्या करूँ, मेरा बेटा बेटी जो है ये हमारे घर संसार को देखता नहीं, जमीन तो बेच दिया है, मैं जो बहुत कष्ट करके 10 बीघा जमीन जो मैं जमीन खरीदा था वो तो बेच दिया, और ये घर भी मैं बनाया, पता नहीं ये बच्चा बेच दे कि नहीं बेच दे, इसलिए इस घर को मैं रखवाल करता रहता हूँ, हमारे बेटा जो है घर को देखता नहीं है, शादी कर